आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नमकीन वर्मी शैली की रेसिपी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है और बनाने में भी बहुत आसान है। इसमें आपको मैगी का भी टेस्ट आएगा और उपमा का भी टेस्ट मिलेगा, और इसको आप बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। शाम की सुबह की चाय के साथ मिलेंगे तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। और ये देखिए कितनी खिली खिली बनी है। आज मैं आपको नमकीन वर्मीसिली बनाना बता रही हूँ। ये देखिए इस तरह से ये मिलती है बॉम्बिनो वर्मीसिली नाम से। इसके लिए मैंने इंग्रेडिएंट्स लिया है, टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च और अदरक, ये गाजर कटा हुआ, ये सभी चीज़ों को छोटा छोटा काट लिया है, नमक, जीरा, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और ये मूंगफली है। इसको आप डालना चाहें तो डालें, इसको स्किप भी कर सकते हैं। और सब्जियां आप अपने मनपसंद से और भी जो कुछ लेना चाहें वो ले सकते हैं, मटर डाल सकते हैं इसमें, स्वीट कॉर्न डाल सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये कढ़ाई में मैंने ऑयल गैस पे चढ़ा दिया है। अब हम इसमें मूंगफली डाल के मूंगफली को भून लेंगे। मूंगफली को हम हाई फ्लेम पे ही भून लेंगे, जल्दी से भून जाती है। देखिए चिटकने की आवाज़ आ रही है। अब हमने इनको निकाल लेते हैं। अब हम ऑयल में वर्मीसिली को डाल के भून लेते हैं। मैंने एक कटोरी वर्मीसिली ली है, इसको हम चलाते हुए लगातार भून लेंगे हल्का ब्राउन होने तक। फ्लेम को मीडियम टू स्लो रखेंगे। तो देखिए मार्केट में दो तरह की आती हैं, एक रोस्टेड आती है और एक ये सिंपल वाली बिना रोस्ट वाली। तो मैंने एक कटोरी बिना रोस्ट वाली ली है और ये थोड़ी सी मेरे पास रोस्टेड पड़ी थी तो इसको भी मैंने थोड़ा सा डाल दिया है। इसको हम अच्छे से भून लेते हैं। ये देखिए वर्मीसिली रोस्ट हो गई है। अब हम इनको एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है और गैस पे फिर से कढ़ाई चढ़ा दी है। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसमें जीरा डाल देंगे, अदरक, हरी मिर्च और करी पत्ता डाल देंगे। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज और हरी मिर्च सॉफ्ट हो गई है हल्की सी। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे, आधे चम्मच डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, और टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च डाली है हमने इसलिए लाल मिर्च थोड़ा कम डालेंगे। मसाले को हम भून के अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे, साथ में हम नमक भी डाल देंगे जिससे हमारे टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। इनको इस तरह से दबा के मैश कर देंगे और टमाटर को सॉफ्ट होने देते हैं। इसको ढक देंगे जिससे टमाटर हमारे जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखिए टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, इनको मैंने थोड़ा सा मैश भी कर दिया था। अब हम इसमें शिमला मिर्च और गाजर डाल के इनको भी हम एक से दो मिनट के लिए पका लेंगे। और अगर आपके पास मटर है, फ्रोजन मटर, तो उसको भी डाल सकते हैं। तो मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैंने गाजर और शिमला मिर्च डाल के इसको एक से दो मिनट फिर से पका लिया है। अब हम इसमें वर्मीसिली डाल देंगे। तो ये मैंने वर्मीसिली जो एक कटोरी प्लेन वाली ली थी और उसके बाद रोस्टेड ली थी, तो ये सवा कटोरी हमारी वर्मीसिली है। इसको हम डाल देते हैं और मिक्स कर देंगे। साथ में ये जो मूंगफली हमने भून के रखी है इसको डाल देंगे। और ये हम डालेंगे मैगी मसाला है मैजिक, तो इससे इसका टेस्ट एकदम मैगी जैसा आएगा। तो ये जो है बच्चे और बड़े सभी को ये बहुत पसंद आएगा, इसलिए हम ये डाल रहे हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह पे थोड़ा सा गर्म मसाला, थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल सकते हैं और थोड़ा सा काली मिर्च डाल दीजिएगा। तो ये पूरा एक शीशे मैंने डाल दिया इसमें। इसको मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा हम इसमें टोमेटो सॉस डाल देंगे। इसको भी मिक्स कर देते हैं। अब आती है इसमें पानी डालने की बारी। तो पानी हम बहुत केयरफुल होकर डालेंगे, क्योंकि अगर हमारा पानी बहुत ज़्यादा हो गया तो हमारी जो सिवई है वो खिली खिली नहीं बनेगी। तो ये मैंने सवा कटोरी मैंने वर्मीसिली ली है, तो ये मैंने एक कटोरी करीब
पानी डाल दिया इसमें। जितनी हमने वर्मीशेली ली है उससे हम पानी कम ही डालेंगे। पानी ज़्यादा कर देंगे तो वर्मीशेली हमारी खिली खिली नहीं बनेगी। तो ये देखिए पानी एकदम ऊपर बिल्कुल नहीं दिख रहा है, बस केवल इसी के अंदर ही दिख रहा है जितना भी है पानी। अब हम इसको ढक देते हैं और फ्लेम को मीडियम टू स्लो कर देंगे। इसको हम 2 से 3 मिनट इसी तरह पकने देते हैं। इसके बाद हम देखेंगे वर्मीशेली फूल जाती है और जो पानी जो है वो कर लेगी। अगर पानी की जरूरत हुई तो हम बाद में थोड़ा सा गर्म पानी करके डाल सकते हैं। ये देखिए हमारी वर्मीशेली एकदम खिली खिली बनी है और दबा के ऐसे देख लीजिए। अगर वर्मीशेली कच्ची है तो फिर पानी डाल दीजिए, अगर पक गई है तो ठीक है। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के फिर से इसको ढक के रख देते हैं। वाओ, ये देखिए 2 मिनट में हमारी वर्मीशेली एकदम अच्छे से पक गई है और एकदम खिली खिली बनी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको 2 मिनट फिर से ऐसे ढक के रख देते हैं जिससे इसमें जो भी मॉइस्चर है वो इसके अंदर ही सोख जाएगा। और इसके ऊपर हम हरी धनिया डाल देंगे। वर्मीशेली एकदम अच्छे से खिली खिली बन गई। इसको मैंने 2 मिनट ढक के रख दिया था जिससे जो इसका मॉइस्चर हो वो सूख जाए। अब हम इसमें हरी धनिया की पत्ती डाल के मिक्स कर देंगे और इसको सर्व कर लेंगे। ये देखिए हमारी वर्मीशेली बनकर तैयार है। इसको हम सुबह या शाम को गर्मा गर्म चाय के साथ में सर्व करेंगे, बहुत ही टेस्टी लगती है। इसमें हमको मैगी का भी टेस्ट मिलेगा, उपमा का भी टेस्ट मिलेगा। तो ये बनने में भी आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।